हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे फॉर्म फिलअप, फुल प्रोसेस हम लोग करेंगे जीपा 2023 के लिए। पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर एप वाइज फिलअप कैसे करना है, आप सबको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है वाइल डूइंग योर फॉर्म फिलअप, इन सारे को हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको दिखा दूँ कैसे आप लोग फॉर्म कहाँ से फिल करना है, वो कैसे जाओगे। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में आना है, अपने कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से, सारे जगह से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो, ना कि ओनली लैपटॉप या कंप्यूटर से, मोबाइल से भी आप लोग चाहो तो फिल कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, सर्च करना है जीपैट 2023, दैट्स ऑल। बस ये सर्च करोगे तो सबसे पहले जो दो ऑप्शन आएगा, सबसे पहले वह आएगा रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर जीपैट 2023, इसी में आपको जाना होगा। और सेकेंड वाला जो है gpat.nta.nic.in, इसमें आप जीपैट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे और फर्स्ट में एकदम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक करोगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो जीपैट के जो ऑफिशियल, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीपैट, जहाँ पे पब्लिक नोटिस फॉर जीपैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर जीपैट 2023, इस पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिंक। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये आ जाएगा कि आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट, मतलब अनदर वेबसाइट में लिया जा रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। नाउ ये हो गया आपका जीपैट का फॉर्म फिलअप के लिए वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले आपको इस राइट साइड के सेक्शन जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये साइन इन उनके लिए है जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसी भी स्टेप में है वो, अभी फॉर्म फिलअप पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया है तो फिर साइन इन उनके लिए है, ठीक है। अब भी साइन इन करोगे जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने हर जगह पे दे रखा है, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, ठीक है। तो फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फॉर 2023। एंड यहाँ पे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो स्पेशली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम बहुत आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्योंकि फॉर्म फिलअप अगर मिस्टेक हो गया आप, तो आपको दो दिन दिया जाएगा, दैट इज़ ओके। बट स्टिल अगर कुछ भी आप सब ट्राई करो कि जितना हो सके आपका प्रॉब्लम कम हो, राइट। बहुत ही करेक्ट तरीके से फॉर्म को फिलअप करो, यही दिस इज द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले लिखा है कि प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सबसे पहले पढ़ लो, ये मेरा भी रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार पढ़ लो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो। अगर आप रिपीटेड स्टूडेंट हो तो दैट इज़ ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले साल पढ़ा है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, या फिर फाइनल ईयर के, या फिर फर्स्ट टाइम जीपैट दे रहे हो, तो एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो जो फीस रखा गया है फॉर जीपैट 2023 जनरल्स के लिए, जनरल मेल्स के लिए फीस है 2200। ये एक बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है, जो कि जीपैट को नहीं करना चाहिए, एनटीए को नहीं करना चाहिए, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेल, फीमेल एंड मेल, एंड ऑल्सो द अनदर कास्ट एंड जनरल, राइट। तो जनरल जो मेल्स हैं उनके लिए जो फीस है वो 2200 है, वहीं पे फीमेल या थर्ड जेंडर के लिए है 1100। अनदर साइड पे ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यू, इन सारे कैटेगरीज के लिए, सारे के लिए है 1100। तो 1100 रुपया लगेगा अगर आप जनरल फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, या फिर मेल और फीमेल हो ओबीसी, एससी, एसटी के। सिर्फ मेल जनरल के लिए है 2200, राइट। तो यही है फीस इस साल का, पिछले साल 2000 था, इस साल 2200, 200 रुपया एक्स्ट्रा कर दिया गया है यहाँ पे। सर्विस चार्जेस एंड जीएसटी विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक, ठीक है। अगर आप बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे तो एक्स्ट्रा जीएसटी भी लगेगा यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा फीस है एक्चुअली, मुझे लगता है, अगर आपको भी लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब रजिस्टर करते टाइम आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। जो पासवर्ड के लिए आपको कुछ बोला जाएगा कि ऐसा ऐसे, तो मैं पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आपको बता दूंगा कि क्या क्या होना चाहिए। दूसरा है अपलोड स्कैंड इमेज एंड कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, ये चाहिए आपका, ठीक है। आपका स्कैंड मतलब आपका जो कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, आपका फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। एंड पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एप्लीकेबल हो, मतलब अगर हो तभी। जो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे ले रहे हैं वो कलर्ड भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे 80% फेस विदाउट मास्क आप लोग विजिबल हो, इंक्लूडिंग आपका कान, ठीक है, ईयर्स, अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो तो अच्छा है। ये मैंडेटरी नहीं है, मेरा जो बैकग्राउंड था वो नीला था, ब्लू था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, बट आप लोग ट्राई करो कि जितना हो सके इनको फॉलो करने का, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ब्लू बैकग्राउंड है, हाँ, बट डोंट पेस्ट एनीथिंग इन द बैकग्राउंड लाइक अनदर कलर्स एक्सेप्ट ब्लू और वाइट,
एंड कोई ऐसा वैसा फोटो जो हम लोग मोबाइल से लेते हैं उसी को ऐसे मत दो, ठीक है? ऑल दो एक्सेप्टेड हो जाते हैं, नॉर्मली सारे कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड हो जाते हैं, बट स्टिल आप लोग एक फोटो ले लो। आप अभी यूट्यूब से सर्च कर सकते हो कि नॉर्मल फोटो को कैसे हम लोग पासपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, फोटोशॉप अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेपीईजी जो फॉर्मेट है, ठीक है, आपका जो फोटो का फॉर्मेट है वो जेपीईजी होना चाहिए, एंड जो साइज़ है वो 10 to 200 KB होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज रिड्यूसर, साइज कंपोजर, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, उनको भी ध्यान में रखना होगा आप सबको, मैं बता दूंगा आगे जाके। सिग्नेचर जो होगा वो भी जेपीईजी होना चाहिए, क्लियरली लेजिबल, एंड 4 to 30 KB, मतलब 4 to 30 KB के बिटवीन होना चाहिए साइज। एंड PWD अगर आप है तो PWD सर्टिफिकेट भी 10 to 300 KB होना चाहिए, क्लियरली लेजिबल, राइट? एंड दैट इज ऑल, ये आपको ध्यान में रखना है। आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI एक्सेट्रा, नेट बैंकिंग डिफरेंट जगह से। अभी एक सिक्योरिटी के लिए एक पासवर्ड दिया जाएगा, मतलब आपको सिक्योरिटी पासवर्ड क्रिएट करना है, वो आपको मैं दिखा दूंगा आगे जाके। पासवर्ड के लिए पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होगा, राइट? 1 अपर केस रहेगा, 1 लोअर केस रहेगा। मतलब अपर केस मतलब एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू मतलब एक नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है? जैसे कि एट द रेट हो गया, हैज हो गया, डॉलर का जो मार्क होता है वो हो गया, परसेंटेज हो गया, एक्सेट्रा, एंड हो गया, ये जो होते हैं, राइट? अभी आपको ये सारे को पढ़ने के बाद इस पर क्लिक करना है, मतलब टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक टू प्रोसीड करना है। अभी हम लोग करेंगे फॉर्म को फिलअप, राइट? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देना है पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट्स का नाम, आपका नाम देना है आपको, ठीक है? एंड कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर फुल नेम विद द सेम एज प्रिंटेड ऑन द 10th और इक्विवेलेंट, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ और 10th के मार्कशीट पे जो लिखा है वही। गार्जियंस नेम लिखना है और फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पे आपको, डेट, मंथ, ईयर, जेंडर देना है, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन नंबर। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब यहाँ पे आपको चूज कर लेना कि आप पैन दोगे और पासपोर्ट दोगे और वोटर आईडी दोगे और रेशन कार्ड दोगे, बैंक पासबुक दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस दोगे और एनी काइंड ऑफ। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको एनी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ, इसको चूज करना है, ठीक है? अगर आप आधार कार्ड नंबर दे रहे हो तो, क्योंकि आधार कार्ड के यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। पैन कार्ड दे रहे हो तो अच्छी बात है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग आधार कार्ड दो, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस दो और वोटर कार्ड दो, इन तीनों में से दो, ठीक है? पैन कार्ड पासपोर्ट सभी के पास नहीं होता है, पैन कार्ड होते हैं, पासपोर्ट सबके पास नहीं होता है, बट स्टिल एज यू विश, जो भी आपके पास है, एंड उसको आपको यहाँ पे देना है, इनपुट करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है। आपको प्रेजेंट एड्रेस मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ, फिर हम लोग फिलअप करेंगे, ठीक है? आप भी फिलअप करना, मैं भी फिलअप करूँगा यहाँ पे। प्रेजेंट एड्रेस मतलब अभी करेंटली जहाँ पे आप हो, ठीक है? जहाँ पे आप हो मतलब आई थिंक सो आई एम श्योर कि यू आर ऑल इन कॉलेज। तो अगर आप कॉलेज में हो तो आपका कॉलेज का जो भी एड्रेस है प्रॉपर, उस कॉलेज के एड्रेस के दो। और ये वाला जो परमानेंट एड्रेस है, मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो आधार कार्ड पैन कार्ड में लिखा है। और ये प्रेजेंट एड्रेस का जो है इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है? फिलहाल इसका भी प्रूफ नहीं चाहिए, बट स्टिल आधार कार्ड आप दे रहे हो एज अ प्रूफ, तो प्रेजेंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं चाहिए। जहाँ पे भी आप करेंटली हो, आपका करेंट पोस्टल एड्रेस अगर दोनों सेम है तो बस इसको क्लिक कर देना, ठीक है? इसको क्लिक कर दोगे तो दोनों ये वाला जो है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड यहाँ पे आपको रखना है 8 to 30 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, मतलब मिनिमम 8 होना चाहिए, मैक्सिमम 13। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक, एंड जैसे कि मैंने कहा एक स्पेशल कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी रख देना है, जैसे कि मैंने कैपिटल बी रखा, ठीक है? BIBEING, जिसमें बी मैंने कैपिटल रखा और बाकी IEING मैंने स्मॉल रखा, बींग रखा मैंने। यहाँ पे मैं रखूँगा 1999, मैंने मेरा एक नंबर दिया, ठीक है? तो नंबर मैं कितना भी दे सकता हूँ, मिनिमम एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, और उसके साथ मैं एट द रेट लगा दूंगा। अब चाहो तो हैज लगा सकते हो या फिर एंड लगा सकते हो। अब ये जो हो गया, ये मेरा आप देख सकते हो 8 कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी इसी को मैं वापस लगा दूंगा यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए, ठीक है? तो मैंने बी कैपिटल रखा है, EING स्मॉल है मेरा, 1999 मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू दे दिया है, एंड मैंने एक एट द रेट दे दी है, तो यहाँ पे मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है? अब सिक्योरिटी क्वेश्चन कैसे देना है, आपको इनमें से कुछ एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं आप, 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आप चाहो, नॉट ए प्रॉब्लम। विच वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज द नेम योर फर्स्ट स्कूल, नेम योर स्टेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, और फेवरेट बुक। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फेवरेट बुक को चूज करो। देन जो भी आपका फेवरेट बुक है उसको आप यहाँ पे लिख दो, जैसे लिख रहे हो वैसे याद रखना, लाइक कैपिटल लेटर में पूरा लिख रहे हो तो याद रखना,
स्मॉल लेटर में लिखे हो, याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक फोटो ले लेना अपने मोबाइल से, दैट इज इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एक रख लेता हूँ, जो भी एक मैंने यहाँ पे सिर्फ बुक लिख देना, ठीक है, BOOK, आप अपने जो फेवरेट बुक है उसका नाम लिख देना, एंड ट्राई करना कि जैसे लिख रहे हो कैपिटल स्मॉल वैसे याद रखते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए इन केस, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप लोग डायरेक्टली पासवर्ड को रीसेट कर पाओगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये जो दिया है सिक्योरिटी पिन, आपको इसको पेस्ट करना है यहाँ पे, बस देख के कॉपी कर देना है, 8GR, जैसे कैपिटल में है स्मॉल में है वैसे ही देना आपको, ठीक है, GR 526। सिमिलरली आपको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद जो जो आएगा मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। अभी नेक्स्ट देखो, ये है रिव्यू वाला पेज, जैसे उसको सबमिट करोगे ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपने वहाँ पे फिल किया है वो सारा कुछ यहाँ पे एक बार फिर से आएगा रीचेक करने के लिए, तो आपको आपको रीचेक कर देना है, आपका नाम, जो भी डिटेल्स आपने फिल किया यहाँ पे, आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट, आपका एरिया, जो भी है, फेवरेट बुक, जो भी है, पासवर्ड और सिक्योरिटी आपको नहीं दिखाएगा, बस यहाँ पे आपको दे देना है कि आई वेरीफाई, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ कि मैंने जो भी दिया है इन सारा टिक कर देना है। आपको यहाँ पे आई एग्री करना है, आई एग्री करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है, सबमिट एंड सेंड OTP। अगर आप चाहो तो फिर से कर सकते हो, लास्ट बार चेक कर लेना, फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही करोगे अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा, और उस SMS को या फिर उस OTP को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे OTP दे दिया है, जैसे OTP दे दिया आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरा कंप्लीटेड दिखा रहा है। अभी हम करेंगे दो स्टेप और है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, फीस पेमेंट आप लोग खुद करिएगा, क्योंकि फीस पेमेंट मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, ड्यू टू सम प्रिवेसी, यूट्यूब का पॉलिसी है कि हम लोग पेमेंट का कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर सकते, राइट। तो मैं आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, फीस पेमेंट आप करिएगा खुद, कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम आई थिंक, क्योंकि फीस पेमेंट आप लोग अभी तो नेट बैंकिंग वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग गूगल पे, फोन पे, ये सब इस्तेमाल करके UPI के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, राइट। सो फीस पेमेंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे गेट बैक करना, लिंक नीचे सारा कुछ दिया है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो बीइंग फार्मासिस्ट ऐसे करके, तो मेरा आ जाएगा पेज, आप उस पर मुझे फॉलो कर देना, एंड फॉलो करने के बाद मुझे DM कर देना। तो अभी आप लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें मुझे पर्सनल डिटेल्स देना है, आधार डिटेल्स देना है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फाइनल सबमिट करना है, ये अभी सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नाम दिया है, जो ऑलरेडी फील्ड है उसको फिल करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग अभी आएंगे नेशनलिटी की तरफ, तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ रेसिडेंस, इसको आपको सिलेक्ट करना है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसको सिलेक्ट करना है, नो मैटर आपका प्रेजेंट एड्रेस वगैरह क्या है। देन आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी एक बार सिलेक्ट कर लोगे तो अभी और कुछ नहीं कर पाओगे, एकदम जब फॉर्म को फिल के एडिट करेक्शन डेट देंगे तभी होगा कुछ, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको फिल करना, इफ यू आर PHW कैंडिडेट, डू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसको यश करना अगर आप है तब भी, राइट। सो जनरल ST SC, ठीक है, जनरल ST ST OBC NCL इन सेंट्रल लिस्ट, रिमेंबर दैट, अगर आप स्टेट में हो NCL तो ये किसी काम का नहीं है, आपको GPAT में जनरल के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप OBC हो NCL हो, OBC NCL इन सेंट्रल लिस्ट, मतलब आपका जो कास्ट है OBC वो सेंट्रल में आते हैं, एंड आपके पास सेंट्रल EWS का सेंट्रल OBC का सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तभी आप इसको सिलेक्ट करना सेंट्रल लिस्ट वाला, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि सेंट्रल लिस्ट में आप होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो OBC अपने स्टेट में होता है लेकिन सेंट्रल ही नहीं होते, तो उनको एज ए जनरल जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप EWS की सब से जा सकते हो, लेकिन OBC NCL के लिए स्पेशली है। EWS कैंडिडेट के लिए बता दूं, EWS कैंडिडेट जो है वो स्टेट में अगर है तभी चलेगा, ठीक है, स्टेट हो सेंट्रल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, SC ST वो भी, बस NCL के लिए सेंट्रलिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं जनरल सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं जनरल ही हूँ। PWD मुझे नो करना है, अगर आप हो तो यस करना है, आर यू डायबिटिक तो आपको यहाँ पे अगर हो तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। फैमिली इनकम सिलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाके बहुत काम में आएगा। तो एनुअल फैमिली इनकम आपको सिलेक्ट करना है, तो अप टू यहाँ पे है, फिर 1 लाख टू 2 लाख, 2 लाख, 8 लाख एंड अबव, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे फिर से एक सिक्योरिटी पिन देना है आपको, यहाँ पे मैं NA29N519 ऐसे दिया है, फिर हम 7 नेक्स्ट करेंगे, आर यू वांट टू सबमिट फाइनली, यस आई वांट टू, हो गया। आधार नंबर आपको देना है, डू यू हैव एन आधार नंबर, यस। अगर आप नो करोगे नो करके सबमिट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप यस करोगे यहाँ पे सबमिट करोगे कि मेरे पास आधार कार्ड है, चलिए ठीक है। अभी आधार को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, 3 ऑप्शन है,
टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन. सबसे पहला ऑप्शन है आई वॉलंटियरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर द ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर मैचिंग माई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स राइट. सेकेंड है माई इन्फॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट द सेम एज आई इंटर. अगर आपका आधार कार्ड रॉन्ग है, मतलब कुछ भी गलती है, बहुत होते हैं गलती है आधार कार्ड में, ठीक है, तो आप लोग सेकेंड वाला सिलेक्ट करना. थर्ड वाला है कि आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार, आप मैं शेयर नहीं करना चाहता मेरा आधार कार्ड डिटेल राइट. तो आप वॉलंटियरली इसको सिलेक्ट कर देना. तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल नॉट विलिंग टू शेयर पे क्लिक करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है. एंड यहाँ पे पिन दे देते हैं 8Y7C, सॉरी Y कैपिटल था, इसको ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल का, 7C67 आई थिंक यही है. देन हम लोग सबमिट कर देंगे राइट. तो सबमिट कर दिया. अभी हमको सिलेक्ट करना है कि मेरा एग्जाम का चॉइस, लाइक सेंटर चॉइस, कहाँ पे मुझे एग्जाम देना है. तो पहले मैं सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे सिलेक्ट करना, जहाँ पे तुम एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, वहीं को सिलेक्ट करना, उसी की जगह को सिलेक्ट कर सकते हो. ऐसा मैं नहीं है कि मैं किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो वहीं पे जाके मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट. जहीं कहीं से भी आप लोग फिलहाल हो जहाँ पे, वहीं से एग्जाम दो, ठीक है. तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम सिटी, दो एग्जाम सिटी हैं यहाँ पे, भिलाई और दुर्ग और रायपुर, यहाँ पे दो सिटी मेरा दिखा रहा है, तो मैं इसको रायपुर में सिलेक्ट कर लेता हूँ. सेकेंड भी मैं वही चूज़ करूँगा, तो सेकेंड में जाके यहाँ पे मैं भिलाई नगर और दुर्ग इसको सिलेक्ट करता हूँ. थर्ड ऑप्शन भी मुझे एक देना पड़ेगा. थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे तो और कुछ है नहीं, मैंने दो दे दिया ऑलरेडी, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, बस यहाँ पे दो ही है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं जो मेरा घर का एड्रेस है वही दूंगा, ठीक है. तो वहाँ पे भी मैं सिलेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, कोलकाता और सिलीगुड़ी, तो कोलकाता को सिलेक्ट कर लेता हूँ. फोर्थ भी दे सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो, फोर्थ भी मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं देना है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो फोर्थ चॉइस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है उसी में हो जाता है नॉर्मली राइट. बट ऐसा नहीं कि आपको देना नहीं है, आप दे सकते हो जितना हो सके, चार तक दे सकते हो. फादर और गार्जियन ऑक्यूपेशन आपको देना है, किस फील्ड में आपके पापा है या फिर आपके फादर है राइट. यहाँ पे मैं गवर्नमेंट सर्विस देता हूँ. अब गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सर्विस दोनों में डिफरेंस है, ठीक है. प्योर से पब्लिक सेक्टर मतलब PSUs जो होते हैं, और गवर्नमेंट सर्विस मतलब स्कूल सर्विस कमीशन एक्सेट्रा, ये सब दोनों में डिफरेंस है. एंड क्वालिफिकेशन, फादर के क्वालिफिकेशन आपको देना है कि उन्होंने क्या किया है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट दे देता हूँ. मदर के सिमिलरली देना है, मदर क्या करते हैं. यहाँ पे फार्मेसी भी सिलेक्ट हुआ है, पहले ये फार्मेसी नहीं था यहाँ पे, ठीक है, इस ऑप्शन पे फार्मेसी पहले नहीं था, अभी देख सकते हो फार्मेसी को भी प्रोफेशन में रखा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है. तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ग्रेजुएट, ओके. देन फिर से आपको यहाँ पे पिन देना है, पिन हर जगह पे देना है, ये मैंडेटरी है, 1B9030. सबमिट करेंगे तो आ गया नेक्स्ट. यहाँ पे मुझे अपना 10th का डिटेल्स देना है, 12th का डिटेल्स देना है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है, ठीक है. 10th मैंने पास कर लिया है, लगता तो है. ईयर ऑफ पासिंग मेरा था 2015. आप लोग अपना देख के करना, ठीक है, मार्कशीट वगैरह मैं यहाँ पे ना देख के कर रहा हूँ. नेम ऑफ द एग्जामिनेंट 10th और इक्विवेलेंट. बोर्ड देना है आपको, मेरा वेस्ट बंगाल बोर्ड था तो वेस्ट बंगाल बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ. मीडियम था मेरा परसेंटेज. यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स देना है, तो टोटल मार्क्स आई थिंक 700 था और मुझे 612 ऐसा कुछ मिला था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स आ गया. एंड द 12th डिटेल्स ऑल्सो, आप लोग 12th पास हो ऑब्वियसली. ईयर ऑफ पासिंग भी आपको दे देना है, 17 था मेरा आई थिंक. एंड नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्लास 12 राइट. बोर्ड दे देना है आपको यहाँ पे, वेस्ट बंगाल काउंसिल ये मेरा था, जो भी आपका काउंसिल था वही देना आप, ठीक है. ये पूरा जैसे देख रहे हो वैसे कॉपी पेस्ट मत कर देना. रिजल्ट मोड परसेंटेज में था फिर से मेरा, आपका अगर CGPA में था तो CGPA देना. CGPA भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, ठीक है, आप देख सकते हो CGPA भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है, परसेंटेज कॉन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे परसेंटेज देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मेरा 500 टोटल मार्क्स था, जो भी आपका टोटल मार्क्स दे दीजिएगा. मुझे मिला था अराउंड आई थिंक 430 ऐसा कुछ, तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है, चलेगा, 86 था. एंड यहाँ पे देना आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स मतलब BPharm. तो अगर आप लोग अभी भी थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो तो अपेयरिंग देना. अगर आप पास कर चुके हो, पास मतलब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है, तो आप लोग पास देना, नहीं तो नहीं राइट. पास दे दूंगा मैं यहाँ पे. ईयर ऑफ पासिंग देते हैं. नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बैचलर ऑफ फार्मेसी ऑब्वियसली. नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आप लोग दे दीजिएगा, जो भी आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी है. रिजल्ट मोड आप लोग दे दीजिएगा, परसेंटेज CGPA जो भी है. यहाँ पे मैं CGPA सिलेक्ट करता हूँ. मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10, यहाँ पे कुछ 9.1 समथिंग कुछ भी होगा, जो भी आपका होगा दे दीजिएगा. मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है. QL8270 ऐसा कुछ, ठीक है. फिर से हम लोग सबमिट कर देंगे. जैसे सबमिट करेंगे नेक्स्ट आ गया. यहाँ पे आपको देना है दो चीज़, एक तो फोटो है, दूसरा सिग्नेचर.
अगर मैं वहाँ पे PWDBS करता तो यहाँ पे PWD भी मुझे देना पड़ता, राइट। तो आपको ये सिलेक्ट करना है। फिलहाल मेरे पास फोटो सिग्नेचर नहीं है उतना अच्छा इसके लिए, तो आप लोग एक फोल्डर क्रिएट करना, एक फोल्डर क्रिएट करके उस पर बना के रखना, क्योंकि अब से लेकर हर फॉर्म फिलअप में हर जगह पे आपको फोटो और सिग्नेचर लगेगा। अच्छे से एक फ़ोटो लेके उसको और सिग्नेचर अच्छे से करके उसको फाइल सेटअप करके, मतलब फाइल का साइज भी अच्छा हो, ऐसा करके एक जगह पे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे सेव रख लेना, ताकि कहीं पे भी आप लोग फॉर्म फिलअप करो तो वो काम में आ जाए। देखते हैं मेरे पास कुछ है कि नहीं, अगर होगा तो मैं दे दूंगा यहाँ पे। चलो एक फ़ोटो मिल गया, यही दे देते हैं फिलहाल। जैसे ये फ़ोटो आ गया, आपको इसको ऐसे कर देना है, मतलब इसको जूम आउट कर देना है ताकि पूरा फ़ोटो ले पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पूरा फ़ोटो ले लिया, फिर मैंने डाउनलोड डन कर दिया, ठीक है, हो गया। अभी इसको अपलोड पे क्लिक करना है आपको। अगर नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। जैसे कर दिया मैंने तो अपलोडेड हो गया। अभी फिर से आपको सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। सिग्नेचर अगर मेरे पास है तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यस, मेरे पास एक सिग्नेचर पड़ा है, और सिमिलरली यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। ओके, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, अपलोडेड सक्सेसफुल, देख सकते हैं मेरा दो अपलोडेड हो गया। फिर मुझे फिर से पिन देना है, पिन हर जगह पे लगेगा। F9 कर दिया मैंने, सेव, नेक्स्ट, सबमिट फॉर्म हो गया। ओह सॉरी, फिर से कुछ प्रॉब्लम है। 0849 एंड BP, ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलिए, हो गया फाइनल सबमिट। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फाइनल सबमिट कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे रिव्यू करना है पूरा पेज, जितना जा कुछ मैंने दिया है सारा कुछ आ गया, और कुछ नहीं करना। बस लास्ट में ये पूरा सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, दैट इज़ ऑल। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा एक बार, फिर इन सारे में आपको टिक कर देना है। 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ पे 7, 8, 9, क्लिक करके आई एग्री 10 वाले पे क्लिक करना है, एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसको सबमिट करने के बाद और कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्ट आपको फिल करना है पेमेंट, जो कि अलग जगह पे होगा। फॉर्म फिलअप का सिलसिला यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ऑल दो मेरा जो डॉक्यूमेंट जो चीज़ें हैं वो उतना ट्रू नहीं है इसमें, बट स्टिल फाइनल सबमिशन करोगे सारा कुछ देख के। हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड। अभी फ्री पेमेंट बाकी है। यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फॉर GPAT 2023। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी विल नॉट बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। यू आर रिक्वायर्ड टू पे 2,200, मुझे ये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सबमिट करने के लिए मुझे ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन देना है, U3M889। चलिए दे दिया, अभी हम लोग सबमिट करेंगे। सिक्योरिटी पिन मैच्ड। अभी अपने जो मोबाइल, अपने जो ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। उस ईमेल आईडी के OTP को आपको यहाँ पे देना है एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं ईमेल आईडी इज वेरीफाई सक्सेसफुली। चलिए, हो गया। अभी हम लोग फ्री पेमेंट पे क्लिक करेंगे, राइट। तो किस पे पेमेंट करेंगे? हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। देयर इज ओनली ऑप्शन फॉर ऑनलाइन। आपको एक दूसरे वेबसाइट पे लिया जाएगा अभी फ्री पेमेंट सिस्टम। जैसे देख सकते हैं 2,200, दो बैंक है यहाँ पे, कैनरा बैंक है एंड ICICI बैंक गेटवे। एक गेटवे है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका बस यही दोनों का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग चाहिए। दिस इज नॉट, कैनरा बैंक और ICICI बैंक का गेटवे है बस, मतलब इनके थ्रू आपका किसी भी बैंक से पेमेंट होगा। तो ICICI बैंक को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, इट्स नॉथिंग लाइक दैट। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा पेज में आना होगा, आउटपुट डेटा ऐसे आएगा। फिर आप क्रेडिट कार्ड से दोगे या डेबिट कार्ड से दोगे, अगर नेट बैंकिंग से दोगे ये वाला, और अगर UPI से दोगे तो यहाँ पे आना है आपको। सिलेक्ट करना है कि भीम से दोगे, अमेजोन पे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और अदर। तो अगर आप गूगल पे से दोगे तो गूगल पे सिलेक्ट करना है, अपना UPI एड्रेस देना है, @ सिलेक्ट करना है, ठीक है। फ़ोनपे से दोगे तो सिमिलर है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का मतलब ये होता है UPI एड्रेस, ओके। फिर आपको YBL ऑलरेडी दिया है, बस आपको नाम देना है, @ नहीं देना है आपको, वेरीफाई करना है, देन पेनाव पे क्लिक करना है। ये मैं दिखा नहीं सकता ड्यू टू द YouTube's पॉलिसी। जैसे आप दे दोगे आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा, और जो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल गया वो डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास सेव रख लेना, दैट इज ऑल। ऐसे आप लोग कर सकते हो GPAT का फॉर्म फिलअप। मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया है, बता दिया सारा कुछ। कुछ भी अगर छूट गया मुझसे, या कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे वीडियो बनाते हुए, बहुत जल्दी जल्दी मुझे बनाना पड़ा। एंड अब सबके लिए, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि प्लीज़ फॉर्म फिलअप पे वीडियो बनाओ, फॉर्म फिलअप पे बना दिया। चलिए देख लीजिए, आई थिंक आपको काम में आ जाएगा। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।